हो दिल ना लगई हा फिरु जान आई हा, अब जहाँ जा जा जान भुला जाई हा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और कल जो है थोड़ा सा लेट हो गया था, यानी 8 बजे के बजाय 9 बजे वीडियो लोड हो पाया था, तो इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलना चाहते हैं। और आप सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे जो ये न्यू बैच शुरू हुआ है, ठीक ना, तो बहुत सारे बच्चे का कॉल आया और उतने बच्चे लगभग जो है अभी देख भी रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे को ये मालूम होगा कि अभी तक मतलब वीडियो प्राइवेट ही है, तो आप उनको जो है इस बात की जानकारी जरूर दे दे कि सभी वीडियो को जो है पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है, और आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो इस बार क्लास 11th से 12th में जा रहे हैं और 12th में गणित की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट में लिख रहे हैं कि सर 12th का बैच शुरू हुआ या नहीं हुआ, वीडियो कब से मिलेगा, उनको जानकारी भी नहीं है। तो ये आप लोग को ऐसा करना है, ठीक है, सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाना यह आपका फर्ज बनता है और आपका काम है। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो दिया है और तीनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आज, ठीक है, जाकर बारी बारी से तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम बारी बारी से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज ये पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो पहले उन तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, ये हम आपको बता दिए हैं कि कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और HW, जो HW कल हम आपको देंगे वो HW आज पहले मिलवाएंगे, ठीक है, और इसके बाद कॉन्सेप्ट देंगे और फिर उस पर कुछ सवाल कराएंगे और कुछ सवाल आपको बनाने के लिए देंगे। और आप लोगों को घर पर सवाल बनाना भी है, जो सवाल आपको हम देते हैं बनाने के लिए उस सवाल को आप लोग घर पर अपने से बनाइए, तब जाकर खूब अच्छा कर पाइएगा और बहुत अच्छा से सीख भी पाइएगा गणित को, ठीक ना। आप लोग केवल देख लेते हैं, पूरा वीडियो को देखिए, एकदम अंत तक देखिए, गणित आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ये एकदम पूरी गारंटी लिया जाता है, ठीक है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले कल वाले जितने HW थे सारे क्वेश्चन को आज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा और किस कॉन्सेप्ट पर बात करना है हमें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को और देखते हैं बारी बारी से सवाल को बनाने का तरीका। जैसे देखिएगा, देखिए 10 क्वेश्चन आपको दिए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर गया था, जो क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे वो क्वेश्चन भी डाल दिए थे, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। आप यदि दोबारा बना लीजिएगा तो खराबी थोड़े करेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, अति है कि ज्यादा ले लेने से जो है एकदम खराबी कर जाएगा, इसलिए दोबारा यदि बना लेते हैं तो कोई खराबी नहीं करेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका था साइन इनवर्स -1/2। जो भी लोग सवाल को नहीं बनाए हैं या सवाल नहीं देखे हैं, जाकर वीडियो के अंत में देखिएगा, आपको सवाल मिल जाएगा, टोटल सवाल, ठीक है। पहला सवाल आपका है साइन इनवर्स -1/2, यानी इसका मान कितना के बराबर होगा। तो आपको बता दिए थे कि साइन के अंदर माइनस रहेगा तब माइनस को बाहर कर लेंगे। अब सोचेंगे कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का, यानी π/6 का मान। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपका है कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए कि कॉस में √3/2 कितना का मान, कॉस में √3/2 कितना का मान, तो कॉस में √3/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। आप लोगों को जो है मानसारणी वाला भी दे दिए थे लिंक, और मतलब 2-3 वीडियो का लिंक हम आपको दे दिए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान सारणी को एक बार देख लीजिएगा। 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का एक मान सारणी है, और 90 डिग्री से ऊपर के लिए जो है एक दूसरा मान सारणी बताया गया है, जिसको आप आसानी से यदि समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अगला आपका है तीसरा सवाल, यहां पर क्या है देखिएगा, कॉसेक इनवर्स 2, यानी कॉसेक में 2 जो है कितना का मान है। तो जो साइन में 1/2 होता है वही कॉसेक में 2 बन जाता है, क्योंकि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो कॉसेक में 2 जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। चलिए चौथा सवाल क्या कहता है देखिएगा, tan इनवर्स -√3,
यानी टेन में माइनस लगल है, तो आपको बता दिए थे कि साइन के अंदर माइनस हो, टेन के अंदर माइनस हो और कॉसेक के अंदर माइनस हो, तो क्या करना है, माइनस को बाहर कर देना है। और अब सोचना है कि टेन में रूट तीन कितना का मान, तो टेन में रूट तीन जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई थ्री का मान होता है, इसका मान हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री के बराबर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कॉस इनवर्स, ये टोटल कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया है पीछे वाले वीडियो में, एकदम जाकर देख लीजिए, पीछे के तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यदि आप पीछे वाले तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो ये टोटल सवाल को अपने आप बना लीजिएगा अपने से, ठीक ना। ये हम सिर्फ आपके हेल्प के लिए बना रहे हैं कि यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो गया होगा एक सवाल में, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा आपको, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको बता देते हैं ताकि आप इसको मिला लीजिएगा। अब देखिए कॉस के अंदर माइनस लग गया तो बता दिए हैं कि कॉस में माइनस रहेगा, कॉट में माइनस रहेगा, सेक में माइनस रहेगा, तो माइनस हटाना है पाई में से घटाना है, तो इसका माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना है कितना, तो कॉस में एक बट्टा दू कितना का मान होता है, तो कॉस में एक बट्टा दू जो होता है आपका, कॉस में एक बट्टा दू 60 डिग्री का मान होता है, यानी पाई बाई थ्री का मान होता है, थ्री पाई में से पाई घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, कहता है सवाल आपका कहता है tan inverse माइनस वन, देख लीजिए tan के अंदर में माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, अब सोचेंगे कि tan में एक कितना का मान, तो tan में एक जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, यानी π/4 का मान होता है। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, सात नंबर सवाल आपका कहता है sec inverse 2/√3, sec inverse 2/√3, यानी sec में 2/√3 कितना का मान, तो जो cos में 3/2 है ना, जो cos में 3/2 है वही sec में 2/3 होता है, इसको उलट दीजिएगा तो sec बन जाएगा ना, यदि cos को उलट देते हैं तो sec बन जाता है, तो यही बात है π/6 है, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका π/6 यानी 30 डिग्री के बराबर। सवाल नंबर 8 क्या कहता है देखिएगा, सवाल नंबर 8 जो आपका कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर तो आपको पता चलेगा कि आठवां सवाल आपका कहता है देखिएगा, कहता है कि cot inverse √3 बराबर आपका कितना होगा, तो cot में रूट तीन जो होता है कितना का मान होता है, कॉट में रूट तीन जो होता है कितना का मान होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट में रूट तीन जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। अगला सवाल कहता है 9 नंबर आपका देखिएगा, कहता है कि cos inverse -1/2, तो cos में -1/2 लग गया, तो cos में जब माइनस लगेगा तो आपको बता दिए हैं कि कॉस में माइनस रहेगा, कॉट में माइनस रहेगा और यदि सेक में माइनस रहेगा तो माइनस हटाना है पाई में से घटाना है, 1/2 को माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा आपका कॉस में 1/2 कितना का मान, तो कॉस में 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। ऐसे एक बार यहां बन चुका है सवाल आपका, ठीक ना, तो यह हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिए, सवाल आपका कहता है यहां रूट टू लगा हुआ था, ठीक है, तो जब रूट टू है तो आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, ये जो होगा π/4 के बराबर हो जाएगा, और यदि आप 4π में से पाई को माइनस कर लेते हैं तो 3π/4 के बराबर होगा, क्लियर है। अगला सवाल आपका कहता है 10 नंबर, cosec inverse -√2, यानी cosec में रूट टू कितना का मान होता है, तो cosec में जो आपका माइनस रूट टू है, तो cosec में जब माइनस लग जाएगा तो क्या बोले थे कि माइनस को बाहर कर लेना है और मान जो होगा उसको लिख देना है, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर कर लेंगे तो कॉसेक में रूट दू कितना का मान होता है, तो π/4 के बराबर, यानी हो जाएगा इसका -π/4
4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आसानी से। और इस पर जो सवाल हम आपको दिए थे कल, 10 सवाल दिए थे, टोटल 10 सवाल को देख लिए हैं। और भी कुछ सवाल था जिसको अभी हम देखने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसके बाद कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको फिर HW देंगे बनाने के लिए। पढ़ाने का यही हमारा तरीका है। यदि आपको पसंद आता है हमारा तरीका तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हाँ, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको गणित सिखाने आए हैं, गणित रटाने नहीं आए हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर, कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए ध्यान से देखते हैं सवाल को, बारी बारी से सवाल को देखते चलेंगे। पहले टोटल सवाल क्लियर कर लेते हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर होते जाए। कोई डाउट किसी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सवाल हम आपको देंगे वो सवाल आपके NCERT का टोटल सवाल होगा, साथ में केसी सिन्हा का भी सवाल होगा, भारती भवन का भी सवाल होगा, RS अग्रवाल का भी सवाल होगा, ठीक है। तो अलग अलग राइटर का सवाल आपको मिलेगा, यानी टोटल कॉन्सेप्ट वाला सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पर जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल हो आप बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट पर जो भी सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका तुरंत जवाब दे सके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। आपका जो अगला सवाल है वो यहां लिखा हुआ है tan inverse 1, इसके बाद आपका है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए बड़ी इत्मीनान से कार्य कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से कार्य कर सकते हैं। पहले तो आपको यहां देखना है कि टेन में एक कितना का मान, तो टेन में एक जो होता है π/4 का मान होता है, यानी 45 डिग्री का मान होता है। प्लस यहां आ जाइए, एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में इसको कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए ठीक से। देखिए यहां पर कॉस में माइनस लग गया तो क्या बोले थे कि कॉस का माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। कितना घटाना है तो कॉस का जो मान होगा 1/2, कॉस में 1/2 कितना का मान होता है तो कॉस में 1/2 जो होता है आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। प्लस यहां देखिए साइन के अंदर माइनस लग गया तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, और साइन में 1/2 कितना का मान होता है तो 1/2 जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है ना, π/6 का मान होता है, यानी 30 डिग्री का मान होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो गया π/4 प्लस या 3π में से पाई घट गया तो हो जाएगा आपका 2π/3, और ये हो जाएगा आपका -π/6। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इधर π/4 प्लस यहां पर पहले आप भिन्न का जोड़ कर सकते हैं इसका, तो लॉसा हो जाएगा आपका 12 के बराबर। 12 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 3, और 3 को पाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3π प्लस 4 × 8π और -6 × 12 यानी हो जाएगा 2। तो 8 × 3 = 11 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 9π/12, 3 × 9 3 × 4 = 12 यानी हो जाएगा 3π/4 के बराबर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3π/4 के बराबर। लेकिन एक दूसरा तरीका आप इसका देख लीजिए, सेकंड मेथड। आपको आगे ये पढ़ाने वाले थे लेकिन सवाल यहां पर आ गया तो एक बार देख ही लेते हैं। टैन इनवर्स यहां पर सवाल यही है, तो पहले आप सोचना है कि टैन में एक कितना का मान, तो टैन में एक जो होता है π/4 का मान होता है, और इसके बाद प्लस देखिएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी साइन में जो यहां पर है वही कॉस के साथ होगा। यदि साइन और कॉस रहेगा, दोनों का ई वाला मान जो है यदि बराबर है तो इसका योगफल जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, जो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। चलिए तो इसका लॉस हो जाता 4, तो यहां देखिएगा कितना हो जाएगा, ये पाई और प्लस इधर हो जाएगा 2π,
और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/4। देख लीजिए, इधर से आपका एक लाइन में आंसर आ रहा है और इधर आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ा है। समझ में आ रहा है बात? तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सभी सवालों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। अभी आप धीरे धीरे हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे गणित में। ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप गणित को गणित नहीं समझिएगा, गणित को धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा। गणित आपके डर से कांपे नहीं तो फिर पढ़ाई किस बात का हुआ। समझ में आ रहा है बात? आइए अब देखते हैं अगले सवाल को कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका कहता है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। एकदम आराम से क्रिया करना है आपको। पहले देखिए कि cos में 1/2 कितना का मान, तो cos में जो 1/2 होता है वह आपका मान होता है 60 डिग्री का, यानी π/3 का मान। अब प्लस 2 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान। ये कट गया 3 बार, यहां देखिए π/3, यहां भी π/3, तो क्या हो जाएगा 2π/3। इसका मान हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर है वाई। ठीक है, एक्स बराबर है वाई तब यानी आपको जो है नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें से आपको पूछ रहा है। तो यह बड़ा आसान काम है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो वाई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो मेन वैल्यू होता है और ये जो मान निकल के आता है कोणांक का होता है ना, तो पूछ रहा है आपसे कि कहां से कहां तक इसका मान होगा। तो आपको बता दिए थे कि y का मान जो होगा -π/2 से बड़ा -π/2 के बराबर, और यहां होगा π/2 से छोटा और π/2 के बराबर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से π/2 तक। क्लियर हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक ना, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का भी बता दिए थे, टेन इनवर्स एक्स का भी बता दिए थे, यानी टोटल आपको बता दिया गया है। एक बार मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आप लोग को क्या दिया गया था। चलिए सवाल आपके सामने होगा, देखिए टेन इनवर्स, यहां देखिएगा टेन इनवर्स, इसके बाद क्या है टू कॉस, फिर आपका है 2 sin इनवर्स 1/2, और यहां बड़ी ब्रैकेट है। अब इतना बड़ा सवाल देख के तो आप लोग घबरा गए होंगे कि अभी कैसे बनेगा। चलो तनिया को दिमाग लगाओ ना, अपने दिमाग का प्रयोग करो, सवाल धर धर बन जाएगा। इस तरीके के सवाल को इनने से बनाने का प्रयास करो। टेन इनवर्स एकदम जिसको गणित कुछ भी नहीं आता है, गणित वह भी आसानी से बना सकता है। गणित ऐसा रोचक सब्जेक्ट है, गणित ऐसा जो है एकदम आसान सब्जेक्ट है, जो आप एकदम यदि आपके माइंड में बैठ गया ना तो आपको तो एकदम बना देगा। समझ लीजिए जब क्या बनाएगा, बहुत आगे तक जाइएगा आप। चलिए कॉस, इसके बाद 2, साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। यहां से ये कट गया 3, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, बाहर वाला को ज्यों कहते हो 2, और कॉस में π/3 हो गया ना, तो कॉस में 60 डिग्री ना, कॉस π/3 बोले तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना के बराबर, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है, कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/2 के बराबर होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया टेन इनवर्स 1। अब बताइए कि टेन में 1 कितना का मान होता है, तो टेन में 1 जो होता है π/4 का मान होता है ना, टेन में 1 जो होता है π/4 का मान होता है, यानी 45 डिग्री का मान होता है, जो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इसको मिला लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या था। देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा, अब सवाल कहता है, एकदम ध्यान से देखिएगा सवाल को, बहुत आसान आसान सवाल हम आपको दिए थे कल बनाने के लिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये सवाल हम आप लोगों से एक बार बनवा चुके थे, साइन 2π/3। सबसे पहले तो देखिए कि अपने रेंज से बाहर है, तो इसको सबसे पहले रेंज में लाना पड़ेगा ना, तो कैसे लाएंगे,
ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई थ्री। ऐसा क्यों लिखे हैं, टोटल चर्चा वीडियो में हो चुका है, आप जाकर एक बार वीडियो को देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। यदि आप एक एक करके वीडियो को देखते हैं तो पूरी गारंटी है कि गणित आप एकदम सीख जाएंगे, गणित रटेंगे नहीं, गणित सीख जाएंगे। और यदि आप सीख जाएंगे तो दूसरे को सिखा भी सकते हैं, यदि आप रट ले रहिएगा तो फिर आप किसी को सिखा नहीं सकते अच्छा तरीका से, समझ में आ रहा है। हाँ, और दूसरी चीज ये भी कि आप सीरियल से क्वेश्चन ना खोजिएगा कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन इसके बाद ही नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है, एगो लिखता है इलाहाबाद, एगो लिखता है जहानाबाद, एगो औरंगाबाद, एगो मुंगेर, ऐसे करके क्वेश्चन लिखता है। और हमारा जो प्रयास है कि उसको सजाने का है, ठीक ना। हाँ, एक टाइप जो आपको पढ़ा दिए उस सारे क्वेश्चन को एक बार आपके सामने लेकर आ गए, ठीक है, फिर अगले टाइप को पढ़ेंगे उस प्रकार, उस पर जितना भी क्वेश्चन है सबको एक बार लेकर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है बात। ये पढ़ाने का तरीका होता है और ऐसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक ना। आप एक बार कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिए, आ एक एक करके सवाल को हम खुद बना रहे हैं, बच्चा क्या बनाएगा। इसीलिए आप जितना अपने से मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप सीखिएगा। चलिए, तो साइन इनवर्स, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये तो द्वितीय चतुर्थांश में है ना, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है, तो ये प्लस में होगा, कोई बात नहीं है। देखिएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री के बराबर, ठीक ना, पाई बाई थ्री के बराबर। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा बारी बारी से सभी को, ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, बारी बारी से सबको मिलाते चलिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए आपका, बारी बारी से सबको मिलाते चलिए एकदम, ठीक है, बारी बारी से सब सवाल को मिलाते चलिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए आपको, ठीक ना, एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए, एक भी सवाल छूट गया तो समझिए बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बारी बारी से सबको मिलाते चलिए। आगे देखिए अब क्या कहता है आपका सवाल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सवाल आपका है टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, इसके बारे में भी आपको बता दिए हैं, टेन इनवर्स टेन क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस पाई बाई फोर ना, यह देख लीजिएगा फोर पाई माइनस पाई यानी थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा। ये देखिए आप पाई माइनस, तो पाई माइनस यानी द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में जो है साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है, तो ये टेन है, तो माइनस हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। और आपको बता दिए थे कि टेन के अंदर यदि माइनस रहेगा तब माइनस को बाहर कर लेंगे, टेन के अंदर यदि माइनस रहेगा तब माइनस को बाहर कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जब माइनस बाहर आ जाएगा तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, पाई बाई फोर यानी माइनस पाई बाई फोर के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा टोटल सवाल हम आज देखने वाले हैं, जितने भी सवाल आपको दे दिए थे, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, ये सवाल आपका कल भी चल चुका था, कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, लेकिन दोबारा यदि देखिएगा तो खराबी नहीं करेगा आपको, कॉस इनवर्स कॉस ये पाई से ज्यादा है तो लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी तृतीय चतुर्थांश में गया ना, तो तृतीय में जो है आपको टेन और कॉट को प्लस में रखना है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में जो है टेन और कॉट को प्लस में रखना है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये कॉस है ना, तो ये माइनस में चला जाएगा, इसलिए माइनस पाई बाई सिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स है अंदर में माइनस लगल है, तो क्या बोले थे कि जब कॉस इनवर्स हो अंदर में माइनस लगा हुआ रहे तो माइनस हटाने के लिए पाई में से क्या करना है आपको, घटा देना है, तो 6 पाई में से पाई घट जाएगा यानी हो जाएगा 5 पाई बाई 6 के बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 के बराबर, जो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब भी कोई सवाल आपके सामने आ जाए, जब भी कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए जल्दी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला आपका सवाल क्या कहता है, देखिएगा, देखिए अगला जो सवाल आपका है, अगला जो सवाल आपका है, देखिए पहले इसको मिटा लेते हैं, तब तक आप लोग इसको जो है एक बार मिला लीजिए उधर वाले सवाल को, हम इधर लेते हैं इसको मिटा ना, और मिटाने के बाद बनाते हैं अगले सवाल को, आज टोटल सवाल हम आपको बता देंगे और इसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताने वाले हैं,
इसलिए आप लोग को भागना नहीं है। साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस वन बाई टू, और इसके बराबर में क्या होगा देख लीजिएगा। तो यहां आपका साइन है पाई बाई थ्री माइनस, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो साइन में एक बट्टा दू कितना का मान, तो साइन में एक बट्टा दू 30 डिग्री का मान, यानी पाई बाई सिक्स का मान। अब देखिए यहां पर साइन साइन पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी पाई बाई टू के बराबर, और साइन 90 डिग्री का मान होता है एक के बराबर, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा एक के बराबर। देख लीजिएगा अगला सवाल क्या है, देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ठीक है, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। देखिएगा तो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट तीन, देखिएगा टेन में रूट तीन कितना का मान, तो टेन में रूट तीन जो होता है 60 डिग्री का मान होता है यानी पाई बाई थ्री का मान होता है, और कॉट का माइनस हटाना है तो पाई में से क्या करना है घटाना है, कितना, तो कॉट में रूट तीन कितना का मान होता है, तो कॉट में रूट तीन जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है यानी पाई बाई सिक्स का मान होता है। पाई बाई थ्री माइनस छ पाई में से पाई घट गया तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई सिक्स, इसका लॉस हो जाएगा 6 ना, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, और माइनस हो जाएगा इधर माइनस 5 पाई, घट के हो जाएगा आपका माइनस 3 पाई ना, और बट्टा में क्या हो जाएगा 6, देख लीजिएगा ये दो बार कट गया आपका, यानी हो जाएगा माइनस पाई बाई टू के बराबर, ठीक है, माइनस पाई बाई टू के बराबर। तो इस तरीके से आपका टोटल क्वेश्चन समाप्त हुआ जो कल आप लोग को HW के रूप में दिया गया था, ठीक है। और आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा, तो एकदम अब कॉन्सेप्ट पर दिमाग लगाइए सभी लोग और समझने का प्रयास कीजिए, एकदम रटना नहीं है, खाली दिमाग लगा के समझना है, एकदम मौन व्रत धारण कर लीजिए, और जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं सिर्फ उसी बात पर ध्यान देना है, इधर उधर की कोई भी बातें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। क्या शुरू कर दें, चलिए आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं फिर अब शुरुआत करते हैं। देखिएगा जो आज का कॉन्सेप्ट होगा, आज हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो अब दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होगा आपका वो काफी मजेदार है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वह इससे भी मजेदार है, यानी दोनों कॉन्सेप्ट आज मजेदार मजेदार है, ठीक है। और जैसे ही आप दो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे फिर सवाल का तो गर्दा ही उड़ा देंगे ना। देखिएगा आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं साइन इनवर्स। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा आपका कोसेक इनवर्स वन बटा एक्स, ठीक है, दूसरा, और यदि कोसेक इनवर्स एक्स होगा तो ये होगा साइन इनवर्स वन बटा एक्स। पहले जो हम आपको लिखा रहे हैं इसको एकदम इत्मीनान से आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको समझाने का जो एक अलग तरीका है हमारा उस पर हम लोग बात बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा सेक इनवर्स वन बट्टा में एक्स, और इसके बाद चौथा सेक इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स वन बट्टा एक्स, पांचवा देखिएगा एकदम ध्यान से टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉट इनवर्स वन बटा एक्स, और इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा टेन इनवर्स वन बटा एक्स के बराबर। यानी इसका मतलब ठीक से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि यदि साइन रहेगा और कोसेक में जाना होगा तो यहां देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है ना, थामे उलट दीजिएगा तो साइन बन जाएगा कौशिक, ठीक है, आ कौशिक दिया हुआ रहेगा साइन में जाना होगा तो थामे उलट देंगे तो साइन बन जाएगा। वैसे ही सेक के लिए है, सेक और कौशिक के लिए भी वैसे ही है, टैन और कॉट के लिए भी वैसे ही है ना। यानी कहने का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि साइन को उल्टेंगे तो कौशिक बनेगा, कौशिक बनेगा, यदि कौशिक को उल्टेंगे तो साइन बनेगा, क्लियर हो गया।
यदि साइन इनवर्स के मान को उल्टेंगे, साइन इनवर्स के मान को उलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा, और यदि कोसेक इनवर्स के मान को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, यदि आप कॉस इनवर्स वाले मान को उलटिएगा तो सेक बनेगा, ठीक है, सेक इनवर्स बनेगा, और यदि सेक इनवर्स को उलटिएगा तो कॉस इनवर्स बनेगा। क्लियर हो रहा है, साइन को उल्टेंगे कोसेक बनेगा, और कोसेक को उल्टेंगे तो साइन बनेगा। क्लियर है, कॉस को उल्टेंगे तो सेक बनेगा, और सेक को उल्टेंगे तो कॉस बनेगा। चलिए अब कहता है कि यदि टैन इनवर्स को उलट दीजिएगा, टैन इनवर्स को उलटिएगा तो कॉट बनेगा, देखिएगा यहां पर कॉट बनेगा, और यदि कॉट इनवर्स को उलटिएगा तो टैन इनवर्स बनेगा ना, यदि कॉट इनवर्स को उलट दीजिएगा तो टैन इनवर्स बनेगा। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला यहां पर कि साइन इनवर्स 2/3 है, और हमारा कोसेक में जाना है, इसको ठामे उलट देना है, तो हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 3/2। देख लीजिए, इसको जैसे ही आप उलटिएगा तो साइन जो है कोसेक में चला जाएगा, ठीक है, साइन जो है कोसेक में चला जाएगा। दूसरा, कॉस इनवर्स √(x²+1)/2 में मान लीजिए कि 2x लिखा हुआ है, और हम कर दिए इसको उल्टा, तो जैसे ही इसको उल्टेंगे तो कॉस वाला जो है कहां चला जाएगा, सेक में चला जाएगा, यानी हो जाएगा सेक इनवर्स 2x/√(x²+1)। ठीक है, मान लिया जाए कि टैन इनवर्स x²+5x+2 और बट्टा में आपका है x+1, ठीक है, x+1, तो ये आपका टैन में है, यदि आपको कॉट में जाना है तो इसको ठामे उलट देना है, इसको ठामे उलट देना है, तो टैन जो है कॉट में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x+1/x²+5x+2। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं, यदि साइन के मान को बदलेंगे नहीं, ठामे उलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा, आ यदि कोसेक को उलट देंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक है, कॉस को उल्टेंगे तो सेक बनेगा, आ सेक को उलट देंगे तो कॉस बन जाएगा, यदि टैन को उल्टेंगे तो कॉट बनेगा, आ कॉट को उल्टेंगे तो टैन बनेगा। बातें आसानी से समझ में आ गई होगी, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इस तरीके की कोई परिस्थिति आएगी उलटने पलटने वाला, तो हम आपको याद दिलाएंगे कि साइन इनवर्स को उल्टेंगे तो कोसेक बनेगा रे भाई, आ कोसेक इनवर्स को उल्टेंगे तो साइन बनेगा, यदि कॉस इनवर्स को उल्टेंगे तो सेक बनेगा, आ सेक इनवर्स को उल्टेंगे तो कॉस बनेगा, टैन इनवर्स को उल्टेंगे तो कॉट इनवर्स बनेगा, आ कॉट इनवर्स को उल्टेंगे तो टैन इनवर्स बनेगा। क्लियर हो गया, मान कुछ रहे उलट दीजिए, काम बनाइए अपना, ठीक है। अब बनते हैं, अब इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर हम लोग इस पर कुछ सवाल देखेंगे। चलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इसको आप यथावत नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगा, कभी कभी सवाल पूछ देता है डायरेक्ट, तो नोट कर लीजिए, ऐसे विशेष रूप से हम ये आपको समझाएंगे एक अलग तरीके से। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। अब चलिए, बात अब समझने वाली है। देखिए, इसको एक अलग तरीके से हम समझाते हैं कि साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा, यदि दोनों का मान समान होगा, दोनों का मान समान होगा तो कोण का योगफल 90° के बराबर होगा ना, तो इसका योगफल कितना के बराबर होगा, 90° के बराबर होगा, यानी π/2 के बराबर होगा। देखिए, टैन इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स होगा, आ दोनों का मान समान होगा, मान दिख रहा है ना, यहां भी x है, यहां भी x है, तो दोनों का यदि मान समान होगा
तो योगफल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी पाई बाई 2 के बराबर होगा। अब देखिए sec इनवर्स और cosec इनवर्स होगा यदि उसका मान समान होगा, दोनों का यदि मान समान होगा तो sec इनवर्स और cosec इनवर्स का योगफल जो है कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ गया। पहले आप एक बार जोड़ा देख लीजिए, दोनों का जोड़ा जोड़ा समझ लीजिए कि कौन किसका जोड़ा है। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां साइन के साथ cos आना चाहिए और टैन के साथ cot आना चाहिए, sec के साथ cosec आना चाहिए, तब जाकर जो है इसके दोनों का, हाँ, और ये मान दोनों का समान होना चाहिए, ये वाला समान होना चाहिए। देखिए मान इसका समान होना चाहिए, मान इसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो इसका योगफल जो है 90 के बराबर होगा, योगफल 90 के बराबर होगा, और योगफल जो है कितना के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। अब कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स यहां लिखे 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, तो इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, देख लीजिएगा पाई बाई 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहां भी यहां साइन है यहां कॉस है और दोनों का मान बराबर है तो योगफल 90 डिग्री के बराबर। जैसे टैन इनवर्स √3/5 प्लस कॉट इनवर्स √3/5, ठीक है, √3/5 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, यानी पाई बाई 2 के बराबर। कुछ भी साइन इनवर्स होगा कॉस इनवर्स होगा, और यहां यदि कुत्ता लिखल है या हियो कुत्ता होना चाहिए, ठीक ना, यहां बिल्ली है तो हियो बिल्ली होना चाहिए, योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। यदि टैन और कॉट का है, ठीक ना, टैन और कॉट इनवर्स में है तो ये दोनों यदि समान है, कुछ भी लिखल है लेकिन दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसी तरीके से sec में ही होता है, sec इनवर्स √5/3 और प्लस cosec इनवर्स, cosec इनवर्स √5/3 बराबर कितना होगा, तो पाई बाई 2 के बराबर होगा। क्लियर हो गया। हाँ, यदि sec और cosec इनवर्स x है, यदि sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x है, दोनों का मान समान है तो योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। और सवाल यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को तो आप हमेशा हमेशा के लिए याद करके ही रख लीजिए। आज ज्यादा नहीं, मात्र 5 सवाल आपको देने वाले हैं और ये 5 सवाल जो होगा इसी कॉन्सेप्ट पर होगा, लेकिन इसमें वो भी शामिल होगा जिससे पहले वाला बताए, ठीक ना। देखते हैं कि 5 सवाल का जवाब कितने लोग दे पाते हैं। आइए सवाल को देख लीजिए। चलिए 5 सवाल आपके सामने है और 5 सवाल में जो है अभी वाला जो कॉन्सेप्ट बताए हैं सो और इससे पहले जो बताए थे सो दोनों इंक्लूड है, तो इन 5 सवाल को बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।